बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राधेश। सभी भामाशाहों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत मानो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, जब तक गुरुदेव का आगमन होता है हम लोग सुदामा चरित्र को श्रवण कर लेते हैं। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा करि भोजन करे हिय जपे हरि को नाम। सजनों, सुदामा के जीवन की आप परिस्थिति को देखो, खाने के लिए चावल के दाने भी नहीं है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति। आप क्या गरीबी जी होगी आपने, महीने महीने भूखे रहना, महीने महीने टपरी चू रही है, चुचा रही है टपरी महाराज, टपरी ठंडी में ठिठुरते ठिठुरते महाराज कांप रहे हैं। लेकिन वारे सुदामा फिर भी कभी भगवान को दोष कुछ मांगा नहीं। हमारे पास तो सब कुछ है फिर भी भगवान को दोष देते हैं, पर सुदामा के पास में कुछ नहीं था फिर भी महाराज कभी दोष नहीं दिया। और वारे उनकी पत्नी सुशीला धन्य है, ऐसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती महाराज, जिसको पति से कोई शिकायत न हो। सुशीला को पति से कोई शिकायत नहीं, आहा, एक ही बात, जाहीं भी धीरा खेरा ताही विधि रहे। पर सजनों, पत्नी को तो शिकायत नहीं थी, पर एक मां को जरूर शिकायत थी। मां सुशीला पत्नी के अलावा मां भी है, छोटे छोटे बच्चे। सुदामा भूखे रह सकते हैं, सुशीला भूखी रह सकती है, पर महाराज इन बच्चों को भूखा एक मां नहीं देख सकती। बच्चे रोते रोते मां के पास आते हैं, मां भूख लगी है कुछ खाने को दे। चूल्हे पर सजनों खाली बटलोई चढ़ा करके पानी डाल करके आंच लगा रही है। बच्चे बार बार आते, मां बन गया क्या, बन गया क्या। अब कुछ हो तो बनेना मेरे भाई, कुछ है ही नहीं, बनेगा क्या, कुछ है ही नहीं। शाम हो गई, रात हो गई, बच्चे बोले मां कुछ बन गया क्या। हाँ बेटा बन रहा है। बच्चे रोते हुए बोले मां नींद आ रही है। बेटा तुम सो जाओ, जब बन जाएगा तो तुम्हें उठा लूंगी, अब कुछ हो तो बने ना। देखिए क्या गरीबी की पराकाष्ठा। बच्चे रोते रोते सो गए, और जब बच्चों को नींद आ गई तो मां ने वो जो पानी खोल रहा था ना, उसको आग में डाल करके आग को बुझा दिया, और रोती हुई कहने लगी, हे प्रभु, इस चूल्हे की आग को तो मैं पानी से बुझा सकती हूं, पर मेरे बच्चों के पेट में जो आग जल रही है उसको कैसे बुझाऊं। रोने लगी, बच्चों के पास आकर के बैठ गई। बच्चों के आंसू महाराज बहते बहते सूख गए, बच्चों के आंख में आंसू सूख गए। सुशीला पास में बैठ करके हाथ फेरने लगी, भगवान से कहने लगी, हे ठाकुर जी, चाहे जीवन भर भूखा रख लेना, पर बस मेरी औलाद को दो समय की रोटी दे दे, मैं और कुछ नहीं चाहती, बस कुछ मेरी औलाद को, मेरी संतान को दो समय की रोटी। एक पत्नी भूखी रह सकती है, एक मां भूखी रह सकती है, पर एक मां अपने बच्चों को भूखा। ठाकुर मैंने कभी शिकायत नहीं की, मैंने मुझे पति कैसा मिला, मुझे घर कैसा मिला, मैंने मुझे पहनने को क्या मिला, मुझे खाने को क्या मिला, मैंने कभी शिकायत नहीं की। पर ठाकुर आज मेरी शिकायत नहीं है, आज मेरी प्रार्थना है, एक मां की पुकार है कि मेरे बच्चों को दो समय की रोटी खाने को दे दे, चाहे वो कोदो सवा के सबसे घटिया चावल होते हैं बस वो दे दे, बढ़िया चावल भी नहीं, बढ़िया मिठाई भी, मैं मिठाई नहीं चाहती। और सजनों रात भर रोती रही सुशीला, रात भर रोती रही। ठाकुर जी के चरणों में उनके अश्रु की धारा पहुंची मानो, और ठाकुर जी नींदों में खड़े हो गए रात्रि में, और भगवान भी सुदामा के इस दिव्य महाराज स्वरूप को देख करके रोने लग गए कि वारे सुदामा, मुझ जैसा मित्र फिर भी कभी कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं महाराज, कोई शिकायत नहीं, मुझ जैसे मित्र के होने के बाद भी।
प्रातः काल महाराज भिक्षुक का रूप धारण करके आए, भिक्षा मांगने लगे। और जब भिक्षा मांगने लगे तो सुशीला हाथ जोड़ के बोली, हे अतिथि देव क्षमा करना, जिस माँ के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है वो एक अतिथि को क्या दे सकती है, एक अतिथि को क्या दे सकती है। तो महाराज भगवान ने आज बताया कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। और जब भगवान ने बताया तो आज महाराज सुशीला अपने पति से कहती है, हे स्वामी जी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, मुझे आज पता चला आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ देवी, कभी मिलने नहीं गए, कहाँ जाता, परिस्थितियों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा महाराज, कभी पीछा नहीं छोड़ा। देवी परिवार की परिस्थितियां ऐसी रही कि मित्र से मिलने के पास मैं जा ही नहीं सका, समय नहीं। तुम कह रही हो मित्र के पास जाओ, पर कैसे जाऊं, क्योंकि गुरु के पास जाओ मित्र के पास जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, मेरे पास तो बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, क्या लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा, स्वामी आप इसकी चिंता मत करो, चार घरों से चार मुट्ठी चावल मांग करके लाई, साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उसमें बांधने लगी, चावल फैल गए सजनों, एक एक दाने को जैसे कोई मोती बिन रहा हो ऐसे बिन रही है। और इसके बाद में बच्चे खड़े खड़े कह रहे हैं, माँ ये चावल के दाने खाने को दे दे। माँ बोली, नहीं बेटा ये तुम्हारे चाचा के पास जाएंगे और चाचा इनको बहुत सारा बना देगा, पेट भर के खाना। बच्चे बोले, माँ क्या कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा कि हम पेट भर के खाएंगे। हाँ बेटा आएगा। बच्चे रोने लगे, माँ ने गले लगा लिया, बेटा रो मत, अब हमारे दुख के समय जा चुके हैं, सुख का समय हमारा आने वाला है, रो मत मेरे लाल, अब तुम पेट भर करके भोजन करोगे। और सजनों सुशीला जो पोटली में चावल बांध रही थी, कपड़ा फट रहा था, सिल रही थी, सुशीला की आंखों से आंसू निकल करके पोटली पर गिर पड़े और जीवन का हाल लिख दिया। एक माह दो पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। हे गोविंद, ये दुनिया वाले महीने में दो एकादशी के व्रत करते हैं, पर तेरे सुदामा और सुदामा के बच्चे तो पूरे महीने ही एकादशी का व्रत करते हैं, कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया। वो चावल की पोटली लेकर के सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए चले महाराज, मन में विचार कर रहे हैं कि आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा, और महाराज मिलने के लिए जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले आज सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हैं हरे कृष्ण रामा, गाते चले हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे रामा काम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सुदामा जी महाराज मिलने के लिए गए और सजनों चलते चलते सुदामा थक गए और एक पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठ जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि कन्हैया तेरी नगरी बहुत दूर है भैया। पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठ गए और बैठे बैठे सोच रहे हैं, लाला दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आ
कैसे पाऊं रे सांवरिया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी में कैसे पहुंचूं, कैसे आऊं। और सजनों मन में विचार करते हैं, इसी पेड़ के नीचे मैं तो सो जाऊंगा और इसी को मैं द्वारिका समझ लूंगा और कुछ दिनों बाद में लौट करके वापस चला जाऊंगा। क्यों, अगर मैं वापस अभी घर जाऊंगा तो सुशीला कहेगी द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, इसलिए मैं तो यही महाराज द्वारिका मान लूंगा। और सजनों सुदामा जी सो गए, भगवान ने सोए हुए सुदामा को उठाया है और सीधा द्वारिका में पहुंचा दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा ने सीधा महाराज द्वारिका में पहुंचा दिया। और द्वारिका में आने के बाद में सजनों अब सुदामा, सजनों आप लोग सुनते हो कि सुदामा को द्वारपालों ने पूछा धक्का दिया, ऐसा यहां कुछ वर्णन नहीं किया गया, ध्यान दीजिएगा। न तो द्वारपालों ने धक्का दिया, न कोई द्वारपालों का कोई संवाद हुआ है भगवान सुदामा जी से। भगवान तो रुक्मिणी के साथ में बैठे हुए थे और यहां भागवत के 10वें स्कंध के 80 अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है तम विलोक्या चुतो दूरात प्रिया पर्यंकमास्तित है सहसोत्थाय चाभ्येत्य द्वारभ्याम परिय गरिन मुदाहा। जैसे ही महाराज भगवान रुक्मिणी के साथ बैठे थे अचानक खड़े हुए, पता नहीं चला क्या हुआ, रुक्मिणी देखती हुआ क्या। और सजनों बिना किसी द्वारपाल के कहे ही सुदामा जो बाहर भगवान का इंतजार कर रहे हैं, भगवान दौड़ करके गए महाराज सुदामा से मिलने के लिए और दौड़ करके सुदामा के पास में पहुंचे, सुदामा को गले लगा लिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज दौड़ करके सुदामा को गले लगा लिया है और गले लगा करके महाराज सुदामा को लेकर के आए हैं और उस स्थान पर बैठाया है जिस स्थान पर रुक्मिणी के साथ स्वयं बैठा करते थे महाराज। आहा, उस स्थान पर सुदामा को बिठाया है और महाराज जल की झारी से चरण नहीं धोए हैं, रुक्मिणी जी जल की झारी लेने के लिए गई पर भगवान ने अपनी आंखों से नई गंगा जमुना प्रकट करके चरण धो दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इससे ज्यादा भक्तवत्सलता और क्या होगी मेरे भाई, अपनी आंखों से नया गंगा जमुना प्रकट करके चरण धोए महाराज। और जैसी सुदामा की लाई हुई पोटली भगवान ने ली जिस पर सुशीला की आंसुओं से लिखा था एक माह दो पक्ष में दो एकादशी होए मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होए। आहा महाराज, भगवान ने भी अपनी आंखों से अश्रुपात करते हुए धरती को कागद बनाया, आंखों को कलम बनाया, पुतलियों को महाराज आंसुओं को स्याही बनाया और आंखों को कलम बनाया और लिख दिया कि होनी थी सो हो चुकी अपना ऐसी हो भाभी तेरे राज में नित ही द्वादशी। भाभी अब तेरे राज में कभी एकादशी। बहुत सुंदर सजनों, बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ा दिव्य श्लोक है महाराज। कौन सा? 10वें स्कंद के 81 अध्याय का 4वां श्लोक। इस श्लोक से मिलता जुलता गीता में भी श्लोक है महाराज। कौन सा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। गीता में भी भगवान ने यही कहा। आप इस श्लोक के भाव को समझो, श्लोक कहना क्या चाहता है। भागवत के 10वें स्कंद के 81 अध्याय का 4वां श्लोक, गीता में भी आपने पढ़ा होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। देखो भगवान कहते हैं हे जीव, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि तू बहुत ज्यादा 56 भोग बनाए, ये बनाए वो बनाए, हाँ जरूरी नहीं। पत्रम, पहले नाम क्या लिया? पत्रम। तेरे पास अगर पत्ता है तो तू पत्ता दे दे। अच्छा एक बात और देखो, पत्ते में भी नाम नहीं लिखा, तुलसी का पत्ता, आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, जो पत्ता तेरे पास में दे दे।
और तेरी और शक्ति है ज्यादा, तो पुष्पम पत्रम पुष्पम फूल चढ़ा दे। और फूल का भी नाम नहीं है, गेंदे काक, चंपा काक, चमेली काक, जूई काक, कमल काक, गुलाब काक, नाम नहीं। जो फूल तेरे पास में है, अरे और तेरे को फूल नहीं मिले और सुमन नहीं मिले तो अपने मन को ही सुमन बना करके मेरे चरणों में चढ़ा दे भाई। अपने मन को ही मंदिर बना ले, श्याम सुंदर को उसमें बसा। मन को ही सुमन बना करके चरणों में चढ़ा दे। और तेरी और ज्यादा भगवान ने शक्ति दी है तो कहा फलम, और फल का भी नाम नहीं है, आम सेब अमरूद अंगूर अनानास, नाम नहीं है, जो फल। और महाराज आगे कहा तोयम, तोयम माने जल, जल की बड़ी महिमा है, पर जल का भी नाम नहीं है, गंगा जल, जमुना जल, सरयू जल, नाम नहीं है। अरे और कुछ नहीं चढ़ा सकता तो अपनी आंखों का ही जल चढ़ा दे मेरे भाई, गंगा जमुना बना करके आंखों का ही जल चढ़ा दे, और कुछ नहीं चढ़ा सकता तो मैं तो प्रसन्न हो जाऊंगा इतने में ही। बहुत सुंदर सजनों, जल का भी नाम नहीं लिया है। और इसके बाद में शर्त क्या रखी, शर्त रखी योमे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ चढ़ाने की महाराज शर्त रखी है। बहुत सुंदर, हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कृष्ण किंकर जी महाराज पधार रहे हैं, सभी लोग खड़े होकर के गुरुदेव का स्वागत करेंगे आनंद के साथ में। बहुत ही सुंदर सजनों, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु जी हमारे शहर में पधारे, गुरु जी हमारे शहर में पधारे, दर्शन कर लो सब नर नारे, दर्शन कर लो सब नर नारी। गुरु जी हमारे शहर में पधारे, गुरु जी हमारे शहर में पधारे, दर्शन कर लो सब नर नारी, दर्शन कर लो सब नर नारी। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कन्हैया जी नीचे बैठिए, नीचे नीचे नीचे, सुदामा जी के बराबर नहीं, भगवान श्री कृष्ण चरणों में बैठे सुदामा जी के। हमारे यजमान जी गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं माला पहना कर। वाह साहब बहुत सुंदर, हमारे सीताराम जी आंकड़ जी की तरफ से गोपाल भवन में एक कमरे का निर्माण किया जा रहा है, जोरदार ताली बजा करके महाराज, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया महाराज। अपने पितरों को शीतल छाया भागवत कथा को सुना करके महाराज, अपने पितरों को दिव्य अमृत का पान, और श्री धाम वृंदावन में सुंदर कमरे का निर्माण करके अपने पितरों को शीतल छाया हमारे आंकड़ जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर सजनों, बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने इनके ऊपर कृपा की है कि श्री गोपाल सत्संग भवन में सुंदर कमरे का निर्माण हो रहा है। और आज सजनों इनकी शादी की, कल है तो हम तो आज ही मनाएंगे ना, हमारे तो आज ही है, हाँ 50 अभी आस है, और कल के बाद में 51, इसलिए वृंदावन में पहली कमरा बनवा लिया है 52। बात को समझो, आना पड़ेगा महाराज, वहां रहना पड़ेगा, हाँ आते जाते रहिएगा। हमारे यहां सजनों वृद्धाश्रम वाला मामला नहीं है कि बच्चों से लड़के आके रह गए, हम कहते हैं आप आइए, बच्चों को लाइए, अपने पोतों को भी बुलाइए, पर ये नहीं है कि बच्चों से लड़ लिए झगड़ लिए महाराज आकर के रहने लग गए वृंदावन में, कोई फायदा नहीं है, गाली दोगे वृंदावन में बच्चों को।
गांव में पाप करोगे वहां धुल जाएगा, लेकिन वहां करोगे तो कैसे धुलेगा। हाँ, सुंदर महाराज 51 की ओर जा रहे हैं, और सजनों एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे। और हम देखिए, ये तो कल बनाएंगे, हम आज ही मनाएंगे। सुंदर महाराज अभी माला पहनाएंगे ये, हाँ अभी माला पहना करके बनाएंगे माला। सुंदर देखो अभी, और ये ठाकुर जी की माला है भाई, और दूसरी माला में यही पहनाओगे आप। हाँ बहुत सुंदर, सजनों ये ठाकुर, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा वहां उधर जाइए पीछे जाइए, गुरु जी के सामने, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद भाई। एक बार इसको हटा दो, स्पीकर हटाओ, स्पीकर हटाओ, इसको हटाओ एक बार। हाँ वाह साहब कितना सुंदर, अरे ये क्या माता जी अकड़ रही हैं। हमारे महाराज सीताराम जी तो कितने सरल हैं, मैं तो माता जी को करते हुए भी देखा। अच्छा माता जी करी, पहले मैं पहनाऊंगी, आप झुको मेरे सामने, मैं नहीं झुकूंगी पहले, चलो आप ही झुक लो भाई, कोई बात नहीं ले लो। जोरदार ताली बजा करके स्वागत, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आहा ठाकुर जी से दुआएं कीजिए, ये जोड़ी ऐसी बनी रहे, और सजनों आपके जीवन में भी 25वीं और 50वीं आने वाली हो तो ठाकुर जी आपके यहाँ भी ऐसे ही उत्सव मनाए, होटल में नहीं ऐसी सत्संग में आप लोगों की 50वीं मने 25वीं मने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर सजनों, ठाकुर जी का मंगलमय आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो, स्थान पर बैठिए। बहुत सुंदर सजनों, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। 11,000 रुपए का सहयोग श्री महेश संजी, अमीश कुमार जी बसवा वाले, श्री राजगढ़ वाले छोरी, श्री महेश संजी अमीश कुमार जी खंडेलवाल, 11,000 रुपए की राशि राजगढ़ वालों ने महाराज श्री को गोपाल भवन हेतु भेंट दी है, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिनका नाम ले रहे हैं फटाफट स्टेज पे आ जाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। बहुत सुंदर सजनों, ये ठाकुर जी के चरणों में महाराज जुड़े रहना चाहते हैं, आप भी ऐसे जुड़े रहिए। आइए बस 5 मिनट लेते हुए फिर गुरु जी की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर सजनों, जैसे सुदामा भगवान कृष्ण से मिले हैं, ऐसे ही देखिए आज गुरुदेव पधारे हैं और हमारे सीताराम जी गुरुदेव से मिले हैं। गुरुदेव आना ना नहीं चाह रहे थे, पर हमारे सीताराम जी ने निवेदन किया कि आपको आना ही है गुरुदेव, आप 84 कोस की परिक्रमा में साथ रहे हमारे, तो गुरुदेव ने निवेदन स्वीकार किया। बहुत साधारण जीवन गुरुदेव का, सिर्फ 2 वस्त्र रखते हैं महाराज, एक को धो दिया और एक को पहन लिया, बस हमेशा जीवन ऐसा ही रहा है। सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, लेकिन अपना सारा पैसा हम जैसे बच्चों को पढ़ाने में लगाए, कभी जीवन में संग्रह नहीं किया। और सजनों यही कारण है कि बस गुरुदेव के चरणों में रहकर के हमने शिक्षा ग्रहण की, तो हमने संकल्प लिया कि संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से जो श्रोतागण जुड़ रहे थे उन्होंने भी सहयोग किया, और हमारे तामी जी जैसे महाराज जो महापुरुष हैं उन्होंने भी कथाओं के माध्यम से आप सबको प्रेरणा करके सहयोग करवाया, और उस गुरु जी के आश्रम को हम लोगों ने निर्माण करवाया। बड़ा सुंदर प्यारा आश्रम जिसमें आप लोग आए तो रुकने की व्यवस्था मिले और सुंदर विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण मिले और विद्यार्थी तैयार हो, इस उद्देश्य के कारण सजनों किसी स्वार्थ भावना से नहीं, जो गुरुदेव के आश्रम को गुरुदेव ने मुझे मना किया, मत कर प्रपंच छोड़ दे, क्यों तोड़ रहा है इसको क्यों बन, पर मैंने कहा नहीं गुरुदेव मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है। बड़े बड़े सेठ पहले बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाए करते थे, तो मैं इतना बड़ा सेठ तो नहीं हूं, आपके चरणों का सेवक हूं, पर जो मेरे पास वाणी है उसकी सेवा से जो महाराज आएगा मैं आपके इस आश्रम की सेवा में लगाता हुआ, और जैसे ठाकुर जी बनाएंगे वैसे बन जाएगा।
सजनों 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे बना पता ही नहीं चला महाराज, अपने आप लोगों ने कैसे बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, सब ठाकुर जी की कृपा से अपने आप बन रहा है और बन जाएगा जो बचा है। और हमारे सीताराम जी का भी देखो, अब तो महाराज वहां पर अब ये नहीं कह सकते साहब कि हम कैसे आए, क्यों आए, क्यों, सीताराम जी के जितने भी परिकर हैं भाई, अब तो उनका वहां पर इतना घर है। बहुत सुंदर सजनों, चलिए सुदामा जी महाराज भगवान से मिले, तो प्रसंग चल रहा था सजनों कि सुदामा जी को भगवान ने एक मुट्ठी चावल पान किया। आप क्या कहोगे, एक मुट्ठी में क्या दे दिया, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो क्या दे दिया, दूसरा, और तीसरी लोगों ने हाथ पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, कि सब कुछ दे दोगे तो आप, यही बात है ना। अब मैं आपसे ये पूछूं कि लिखा कहां है, ये बात कहां लिखी है, इतनी भागवत सुनते हो आप लोग, जो बात बता दी वो ठीक है, किसी कवि ने कल्पना कर दी सजनों, इस बात का कोई महत्व नहीं है, कवि ने कल्पना की उस बात का कोई महत्व नहीं है, शास्त्रों में क्या प्रमाण लिखा है, तो भागवत के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के 10वें श्लोक में महाराज वर्णन किया गया है, इति मुष्टिम सकृ जग्द्वा द्वितीयाम जग्दुमा ददे तावत्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिन है। भागवत के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय का 10वां श्लोक, भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल का पान किया, दूसरी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, इसलिए नहीं कि हे प्रभु एक मुट्ठी में एक लोक दे दिया, दो मुट्ठी में दो, तीन अगर आप खा गए तो महाराज फिर तीन लोक चले जाएंगे, आप कहां रहोगे। हाँ हाँ सजनों, अगर भगवान के पास तीन ही लोक है तो फिर भगवान कैसा, फिर कहेगा भगवान। आप रामायण में एक दोहा पढ़ते हो, रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस परमात्मा के रोमे रोमे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, तो जिसके रोमे रोमे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है तो लोक कितने होंगे। अरे तीन नहीं, अगर 3 करोड़ लोक भी दे दे तो भगवान महाराज धनहीन नहीं हो सकते। रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा, इसलिए पकड़ा कि हे प्रभु भक्त का लाया हुआ प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए, एक मुट्ठी चावल पान कर लिए हम तो भक्त रह गए महाराज, हमें भी भक्त का लाया हुआ प्रसाद मिलना चाहिए, इसलिए रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। और सजनों जब सुदामा जी की वहां सेवा की खूब बढ़िया, और फिर सुदामा जी को विदा कर दिया कि हे महाराज आप पधारिए। और सुदामा जी जब महाराज जाने लगे, तो सजनों सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने साथ में कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी ने बुरा भी नहीं माना, आज कोई धनवान मित्र होता कुछ नहीं देता तो क्या बोलता है, होगो करोड़पति आपकी जगह, एक फल भी हाथ में नहीं रखे महाराज। पर वारे सुदामा कुछ नहीं दिया। सुदामा मन में सोच रहे हैं क्या, अधनो यम धनम प्राप्य मातनुच्चेण मा स्मरे इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरि नानदार। भगवान ने धन न देकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्यों, अगर धन दे देते तो सजनों में धन के अभिमान में, आहा अधनोयम धनम प्राप्य, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा अचानक मिल जाए तो मर जाएगा, ये बात सच है महाराज। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की महाराज, ये सुदामा जी सोचते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब अपने नगर में आए, गांव में आए, तो ठाट बाठ देख करके महाराज चौंक गए, ये कहां लौट के वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। सुशीला से जब मिले तब पता चला, अरे ये तो मेरी सुदामापुरी है भाई, ये सब कैसे हुआ, भगवान मैंने कब मांगा। भगवान ने कहा कोई भी कह दो, मैंने तुझे एक फल भी दिया हो तो, अपने बच्चों को दिया है। सुदामा बोले मुझे चाहिए भी नहीं मित्र, क्योंकि मुझे पता है इस धन में मिलने के बाद भजन नहीं हो पाता, और मैं भजन करना चाहता हूं, सजनों इसके बाद में आहा भगवान ने सुदामा जी के लिए झोंपड़ी बनाई, उसमें रखे भजन किया, और सुदामा जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की, इस दिव्य प्रसंग का यहाँ विश्राम किया। सजनों ये प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि महाराज भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से मांगो तो भगवान की चरण की शरण मांगो, अरे ये धन दौलत तो भगवान बिना मांगे ही दे देते हैं मेरे भाई, जो नसीब में वो मिलेगा। अगर मांगेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, बोले भिखारी। मांगने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसे तुच्छ मिलता है, तुच्छ माने थोड़ा। आप कहोगे फोकट में नहीं मांगते हैं, नौकरी करते हैं,
तो सजनों नौकर को बंधा हुआ कुछ मिलता है। ध्यान रखिएगा, भिखारी को तुच्छ मिलता है, नौकर को कुछ मिलता है, लेकिन जो बाप का बेटा होता है उसको सब कुछ मिलता है।